एक प्रश्न जो प्रायः कई वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछा गया कि तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला यदि आपने पहन रखा है तो क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं। ये प्रश्न था। कुछ विशेष नियम और रुद्राक्ष की पहचान, इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियोस में आपके साथ कर चुका हूं। बात सिर्फ इतना है कि जब आप तुलसी धारण कर रहे हैं चाहे कंठी के रूप में, आपने देखा होगा बारीक सी माला होती है जो कंठी बनाकर पहनते हैं, या फिर रुद्राक्ष की माला हो जैसे ये रुद्राक्ष और मोती की माला है, या फिर अलग से रुद्राक्ष भी कई लोग धागे में पहन लेते हैं गोल्ड की चैन में बना के या सिल्वर कैप में, तो कोई भी रुद्राक्ष या तुलसी आपने धारण किया हुआ है तो क्या आप लहसुन और प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न था, जितना छोटा प्रश्न है उतना छोटा ही इसका आंसर भी है। अगर तुलसी आप पहनते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या दोनों चीज पहन सकते हैं। देखिए दोनों ही सनातन के प्राय हैं, और रुद्राक्ष हो या तुलसी हो आप दोनों में से एक पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों भी पहनना चाहें तो गले में, मान लो आपने तुलसी पहना हो तो आप रुद्राक्ष का ब्रासलेट हाथ में पहन सकते हैं, या माला आप जो है रुद्राक्ष का पहन सकते हैं। तो लहसुन प्याज की बात थी, तो तुलसी की जहां तक बात आती है तो तुलसी को शुचिता बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। कंठी के रूप में आपने अगर पहना हुआ है तब भी, और माला के स्वरूप में आपने पहना है तब भी, आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आपको उसका जो है तुलसी का धारण आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष की बात करते हैं तो रुद्राक्ष धारण करके आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लहसुन प्याज खाने में कोई यहां पर दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो तामसिक भोजन है, बस इतना ही उसका मतलब है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लहसुन प्याज खाना कोई बहुत बड़ा पाप है या अपराध है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने में आप खा सकते हैं, लेकिन तुलसी आप धारण करते हैं तो आप बिल्कुल भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें।